i7 11 जनरेशन 120 हर्ट्स डिस्प्ले के साथ है और 3050 4 GB ग्राफिक कार्ड, और इसका जो रिफ़्रेश रेट है वो है जी 240 हर्ट्स, स्क्रीन रिफ़्रेश रेट 240 हर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवाद फ्रॉम गेम्स एंड गैजेट्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं हमारे ट्रेडर्स का और बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में, एडिटिंग लैपटॉप्स और गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, और अपडेट करेंगे उनकी प्राइसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा चैनल गेमिंग और गेमिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग और गेमिंग प्रोडक्ट्स पर तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? करम अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस वगैरह बता दें। मेरा नाम आकिब है, शॉप हमारा ट्रेडर है और जोन सा है उमेर सेंटर के अंदर है, फर्स्ट अपर फ्लोर के अंदर है ये, ठीक हो गया। शॉप नंबर 156, ठीक हो गया, उमेर सेंटर हमारा ट्रेडर, ठीक हो गया। तो लैपटॉप की तरफ आए, सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप दिखाएं। सर ये गेमिंग वैरायटी जो भी पास हमारे पास अभी आई है स्टॉक के अंदर, ये बड़ी हुई है डेल G15, ठीक हो गया, और ये i7 11 जनरेशन है, 120 हर्ट्ज़ के साथ है। डिस्प्ले क्वालिटी चेक करें, 120 हर्ट्ज़, ठीक हो गया, और इसमें आपको 16 GB रैम है, 512 SSD जेन 3 की लगी हुई है, ठीक हो गया, SSD जेन 3, और इसके अंदर आपको जो उनसा है 4 GB 3050 RTX कार्ड, i7 11 जनरेशन 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ है और 3050 4 GB ग्राफिक कार्ड। प्राइस आपको जोन साइड 210 का मिल लेगा। इसके बाद MSI में पड़ा हुआ है, MSI शौकीन है गेमर्स के लिहाज से, जोन सा देखा जाए तो बहुत लोग डिमांड करते हैं इसके जोन सा। इसमें आपको स्पेक्स जोन सा i7 9 जनरेशन है, ठीक हो गया, 512 GB SSD है, 32 GB रैम है, और RTX 2070 जोन सा इसका कार्ड है, और इसका जो रिफ़्रेश रेट है वो है जी 240 हर्ट्ज़, स्क्रीन रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज़। रेजोल्यूशन कैसे है? रेजोल्यूशन 1080p IPS है, रिफ्रेश रेट जो इसका है आपका 240 हर्ट्ज़ है। MSI बेहतरीन मॉडल है गेमिंग के लिहाज से, और ये जो उनसे है आपको मिल जाएगी 250k पे मिल जाएगी ये MSI 8 GB RTX 2070। अब हम आ जाते हैं रेंडिंग के लिए जो उनसे लैपटॉप यूज़ होते हैं। एक आपका आ जाता है लिनोवो में, ये लिनोवो की i7 9 जनरेशन है और 16 GB रैम, 512 GB SSD टच के साथ है, और 4K डिस्प्ले, 4 GB ग्राफिक कार्ड, i7 9 लिनोवो P1 Gen 2 अल्ट्रा स्लिम मशीन है। मशीन की लुक चेक करें, ये 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, और ये आपको मिल जाएगी 185 पे। HP फ्यूरी G7, ये ज़ियोन प्रोसेसर के साथ है और i7 10 के इक्वल है, सर्वर्स मशीन कहलाती है बेसिकली ज़ियोन प्रोसेसर के साथ है। इसमें 32 GB रैम और 1 TB SSD लगी हुई है जो बिल्ट इन इसके स्पेक्स हैं। 32 1 TB के साथ जो सा है ये आपको 260 पे मिल जाएगी, 4 GB ग्राफिक कार्ड। अब डेल की मशीन आ गई वर्क स्टेशन प्रसीजन स्लिम के अंदर, डिमांड इसकी बहुत होती है, 55 सीरीज़ 5000 सीरीज़ होती है, ये 5540 मॉडल है, i7 9 जनरेशन, और बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले के साथ है, बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक हो गया, और 32 GB रैम, 32 GB रैम है इसके अंदर, और 512 GB SSD डेल प्रसीजन 5540, ये आपको मिल जाएगा 175 पे, 32 512 के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं ये स्टूडियो की तरफ, i7 8 जनरेशन, HP ZBook स्टूडियो i7 8 जनरेशन, 4 GB ग्राफिक कार्ड के अंदर आती है ये मशीन, डायमंड कट के साथ, डायमंड कट, ये आपको मिल जाएगी जी 140 की, 4 GB ग्राफिक कार्ड।
140। अब आ जाते हैं थोड़ा प्रोफेशनल सीरीज़ की तरफ। प्रोफेशनल में आपकी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, 830 मॉडल है, i5 8th generation, HP Elite Book i5 8th generation, स्लिम स्मार्ट सी मशीन है ये। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बहुत यूज़ होती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थीसिस वगैरह के लिए, असाइनमेंट के लिए, और आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए नॉर्मल जो होती है उसके लिए मशीन बहुत जौन सा है ना आपकी यूज़ होती है। स्टूडेंट लोग बहुत लेके जाते हैं ये मशीन, स्टूडेंट के लिए समझ लें ये जौन सा है आपकी मशीन बहुत चलती है। यह आपको 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ 63 की मिल जाएगी, 830 63 की i5 8th generation 8256 के साथ। इसी के साथ आ जाते हैं लिनोवो के ऊपर, ये भी प्रोफेशनल मॉडल है T490 i5 8th generation, ये भी आपको 8 GB रैम 256 GB SSD 1080p IPS डिस्प्ले के साथ जोन सा है ये आपको 63 पे मिल जाएगी 8256 के साथ, 8th generation लिनोवो T490 मॉडल। इसी के साथ आ जाते हैं एलीट बुक का एक और मॉडल है, HP एलीट बुक 840 G5 G6, इसके अंदर दोनों आते हैं। 14 इंच की मशीन होती है ये, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ 66 की मिल जाएगी आपको, 8 GB रैम 256 GB SSD 14 इंच डिस्प्ले के साथ। ये आपको जो पहले दिखाई है ये आपकी 13 इंच के साथ आती है, 830 G5 G6, इसमें भी दोनों आते हैं, और ये 14 इंच के साथ आती है आपकी, ये 14 इंच के साथ आपको 65 पे दे देंगे 8256 के साथ। इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 पीस बैकअप पे पड़ा हुआ होता है, होल सेल किसी भाई को चाहिए हुआ तो होल सेल पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक हो गया, हमारे ट्रेडर भाई को जोन सा अकाउंट पे नंबर डाल देंगे तो भाई रब्ता कर सकते हैं जिसको होल सेल पे भी ज़्यादा पीस चाहिए हुए रिक्वायरमेंट हुई। इसी के साथ अब ये डेल का मॉडल है i5 8th generation, ये आता है आपका बिल्कुल बेजल ऐसा आ गया, ठीक हो गया, लाइट वेट और बिल्कुल स्लीक सी जोन सा मशीन है आपकी। ये आपको टच भी मिल जाता है इसके अंदर, फेस अनलॉक भी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। i5 8th generation डेल की जो मशीन है ये आपको मिल जाएगी 62 के ऊपर, डेल 5400 मॉडल है, मॉडल भी ज़रा क्लियर कर दें, ये डेल 5400 मॉडल। और इसी में i7 8 सेम ऐसी मिल जाएगी आपको, i7 8 जोन सा है आपको 73 पे मिल जाएगा 8256 के साथ, i7 भी आता है i5 भी आता है, दोनों आते हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटैचेबल, लोग मांगते हैं डिटैचेबल वाली वैरायटी भी पड़ी हुई है, ये डिटैचेबल हो जाता है, ये आपका टैब बन जाएगा, ये आपका i5 8th generation इसमें हमारे पास पड़े हैं न्यू लोगों के साथ। इसमें डिस्प्ले आता है आपका 4K टच होता है, फ्रंट कैम है, बैक कैम है, बैक फिंगरप्रिंट है इसके अंदर, ठीक हो गया, और न्यू HP लोगों के साथ है। ये इसका पैड है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ये चेक करें बिल्कुल साथ लग जाता है, ये आपकी मशीन है, ये आपको 80 पे मिल जाएगी, ये 16 GB के साथ हमारे पास पड़ी हुई है। इसमें 8 GB वाला वेरिएंट भी आता है, वो आपको 74 पे दे देंगे i5 8th generation। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस शॉप से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।